हेलो दोस्तों, मैं हूं शिल्पी और मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार की रेसिपी लेके आई हूं, यानी एक ही डो से मैं आपको दो रेसिपी बनाना सिखाऊंगी, दो तरह की। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं और ये फटाफट बनकर तैयार हो जाती है। खाने में उतनी ही टेस्टी है और बनाने में उतना ही आसान। दूसरा, मैंने इसे स्नैक्स बनाया है, तो मैंने आपको बताया एक ही डो से मैं दो चीज बना रही हूँ, यानी टू इन वन है ये। तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं और कम से कम सामान में ये बनकर तैयार हो जाती है और झटपट बनकर तैयार हो जाती है। जी हाँ, आप इसे जल्दी में हो तो भी बना सकते हैं। तो देर किस बात की, इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करें तो उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं हमेशा आपके लिए नई नई रेसिपी लेके आती हूँ, तो कमेंट करना ना भूलिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि आपने मेरे रेसिपी को पसंद की तो जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा, तो मेरी सारी रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलती रहेगी। और लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं। अगर कोई रिमाइंडर रेसिपी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यहाँ हमने कढ़ाई में लगभग 2 चम्मच यहाँ पे हम तेल डालेंगे। चम्मच का साइज आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे 1/2 चम्मच हम जीरा डालेंगे। और साथ में यहाँ पे हमने क्या लिया है, 1/2 चम्मच अजवाइन, तो उसे भी डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से हम चटकने देते हैं। और साथ में यहाँ पे हम कलौंजी भी डाल लेते हैं। तीनों की क्वांटिटी हमने सेम रखी है, तो इन तीनों को हम डाल देते हैं और अच्छे से हम यहाँ पे चटकने देते हैं। साथ में यहाँ पे हम एक पास बारीक कटा हुआ लहसुन है, आप चाहें तो उसे ग्रेट भी कर सकते हैं, नहीं तो उसमें अदरक भी आप ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम 1/2 प्याज डालेंगे, यानी 1/2 हमने प्याज डाला है। एक मीडियम साइज का प्याज लिया था जिसे हमने चॉप कर लिया है, उसे भी डाल देते हैं। और आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि प्याज को आपको ब्राउन नहीं होने देना है, इसका कच्चापन थोड़ा सा दूर करना, बस उलट पुलट लें। आप देख सकते हैं 3-4 कलछी हमने चला लिया है, बस हो गया है। अब इसमें हम 1 कप पानी ऐड कर देते हैं। जी हाँ, पानी ऐड करने के बाद गैस का फ्लेम यहाँ पे हाई कर दीजिएगा। जब हमने प्याज भून रहे थे ना, तो हमने गैस का फ्लेम लो कर दिया था, प्याज का कलर नहीं चेंज होना चाहिए। अब इसमें हम नमक डाल देते हैं, तो लगभग हमने 2 छोटी चम्मच इसमें नमक डाला और इसे बॉयल होने देते हैं। अच्छी तरह से यहाँ पे खोल चुका है और गैस का फ्लेम यहाँ पे हम कर देंगे लो। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 कप सूजी और साथ में यहाँ पे हम 1/4 चावल का आटा यूज करेंगे, यानी राइस फ्लोर हम डाल देते हैं और इसे फटाफट मिक्स करते हैं। अभी इसमें बहुत चीज इसमें डलनी बाकी है दोस्तों, तो इसका पहले फटाफट हम मिक्स कर लेते हैं। एक डो बनाकर यहाँ पे हम तैयार कर लेते हैं। उसके बाद जब ये हल्की सी ठंडी हो जाएगी तो इसमें और भी चीज हम ऐड करेंगे जिससे ये और भी टेस्टी और मजेदार का बनेगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और बहुत ही टेस्टी बनती है रेसिपी। तो देखिए, अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे प्लेट में निकाल। यहाँ पे ये ठंडा हो चुका है, पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है, तो हमने यहाँ इसे प्लेट में निकाल लिया। देखिए, हाथ जितना सही उस हिसाब से आप छू कर देखें, उस हिसाब से उसे ठंडा कर लें। और इसे हम इस तरह से पहले हाथों की सहायता से आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा सा डो यहाँ पे बनकर तैयार हो गया। अब इसमें हम और भी चीज़ें ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं जिसे हमने कद्दूकस कर लिया है, बॉयल आलू है, कद्दूकस कर लीजिएगा नहीं तो गुलठी रहती है। अब इसमें हम भुना हुआ जीरा पाउडर ऐड कर देते हैं। मैं इसमें मसाले कम डालूँ क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो यहाँ पे अब जो मसाले मैं डाल रही हूँ ना उसकी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हो। तो यहाँ लाल मिर्च का भी पाउडर हमने कम लिया है और जीरा का पाउडर भी कम लिया है, तो इसकी क्वांटिटी आप 1/2 चम्मच यहाँ पर कर सकते हो। हमने डो हमें तैयार कर लेना है, तो थोड़ा सा 2 से 3 बूंद हमने ऑयल लिया है ताकि हमारा डो चिकना बन जाए। तो हमने यहाँ पे जीरा पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर डाला। आप इसमें गरम मसाला भी ऐड कर सकते हो और चाट मसाला भी ऐड कर सकते हो, तो और चटपटा ये बनेगा। तो इसे हमने धनिया की पत्ती डालना भूल गए थे, तो इसमें हम अभी डाल देते हैं और फिर से मिक्स कर लेते हैं। धनिया की पत्ती डालने से इसका फ्लेवर ही और इन्हांस हो जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है, तो धनिया की पत्ती डालना ना भूलेंगे। और देखिए, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम इसे। हमारा ये डो अच्छे से तैयार हो गया, हमने इसमें धनिया पत्ती जो मिलाई थी अच्छे से मिल चुका है। अब इसका एक बड़ा सा बॉल हम निकाल लेते हैं क्योंकि इसकी हमें रोटी बनानी है, छिड़के और इसे बेल लेंगे। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, इसे मोटा ही बेलिएगा, रोटी इतना पतला नहीं बेलिएगा। आलू के पराठे जैसे हल्के से मोटे होते हैं ना, उस तरह से बेलिएगा
क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो ये देखिए रेडी है हमारा बेलकर। उसी डो से हमने रोटियां बना ली और स्नैक्स भी बना लेते हैं। तो यहाँ अपने छोटे छोटे बॉल्स निकालिए, इसे हमने बॉल्स के रूप में, छोटे छोटे बॉल्स के रूप में हमने बना लेना है। अगर आपके पास समय है तो इसे कॉर्नफ्लोर में डुबोकर ब्रेड क्रम्स से कोट करके भी इसे फ्राई कर सकते हो। फटाफट इसे तवे पर रख के इसे हम सेक लेंगे। इसे हमने घी डालकर इसे सेक रही हूँ, नहीं तो आप चाहे ऑयल से भी सेक सकते हो, चाहे बटर से भी। बच्चों को अगर घी खिलाएं तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही टेस्टी बनती है घी में। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे जरूर सेकें, बहुत ही अच्छी तरह से ये सिकेगा और इसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी, कुरकुरी होगी, बहुत ही अच्छी बनेगी। चावल का आटा इसमें डाला है, इसे रायते के साथ जरूर सर्व कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगी खाने में और बहुत ही सॉफ्ट। तेल अच्छा खासा गर्म है और गर्म हो जाने के बाद गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और जो हमने स्नैक्स बनाकर तैयार किए थे उसे हम डाल देते हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई कीजिएगा, अंदर से भी अच्छे से कुक होने चाहिए। ले लीजिए हमारा स्नैक्स बनकर तैयार है, बहुत ही कुरकुरा है, चावल का आटा डाला। एक ही डोसे हमने आपको दो रेसिपी बना के दिखा दी, एक रोटी और एक स्नैक्स। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।